तो गाइस कल मैं आप लोगों को शिव चालीसा और पहले तो गणपति चालीसा सुनाऊंगी और उसके बाद में मैं आपको शिव चालीसा बोल के सुनाऊंगी क्योंकि मेरे को याद है, मैं डेली पढ़ती हूँ। तो कल भोलेनाथ का दिन है तो मैं सोच रही हूँ आपको सुनाऊंगी, अच्छा रहेगा। और कल मैं वहाँ पे पूजा करूँगी ना, तो वहाँ पे पूजा करने की वीडियो भी बनाऊँगी, ब्लॉग की वीडियो, आप लोग देखना। और भोलेनाथ से अपनी मनोकामनाएं बोलना ताकि भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। और तो गाइस मैंने तो आज तक भगवान से जो भी मांगा सब दिया, बस मेरा चैनल ठीक कर दे, यही चाहती हूँ। बाकी रही मेहनत करने के बाद गाइस, तो मैं मेहनत करती हूँ, कितने लोग मेरी वीडियो चुरा के ही जीते हैं, डेली उनका साला यही काम है कि बस चोरी करो डाल दो। तो गाइस बस ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। कल मैं आपको चालीसा सुनाऊंगी और पूजा करूंगी, वो भी सुनाऊंगी। और फिर आज जाएंगे वो लेने के लिए, आज बेर लाएंगे तोड़ के और गांजा लाएंगे, बेलपत्र लाएंगे शाम को। तो जब मैं जाऊंगी ना तो वहाँ पे मैं वीडियो बनाऊंगी और फिर आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या क्या चढ़ाते हैं, मतलब बैर होगा, गांजा होगा और वो एक क्या बोलते हैं, एक कांटे जैसा होता है, उसका उसका नाम नहीं याद आ रहा है, मेरे को नाम याद था यार पर अभी भूल गए। हाँ तो वो भी रहता है और बैर रहता है, फूल रहता है और गन्ने का ऐसे छोटा छोटा पीस रहता है, कट करके उसको चढ़ाते हैं। तो मैंने नेल पेंट के ऊपर लगा लिया। तो गाइस कल बड़ा ही मज़ा आएगा, जब कोई त्यौहार आता है ना भोलेनाथ का, माता रानी का, तो मैं एकदम खुश हो जाती हूँ यार, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये पूजा पाठ करना और भगवान का नाम लेना। और मैं तो सोचती हूँ लाइफ में रखा क्या है, भगवान का नाम लो और जितना हो सके पॉजिटिव सोचो। और तो भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट।